चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा, प्रदेश में आज से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया जा रहा है। 417 किलोमीटर की होगी ये जन आशीर्वाद यात्रा, 40 से अधिक स्थानों पर होगा जन संवाद कार्यक्रम, केंद्र सरकार की योजनाओं का होगा प्रचार प्रसार। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अश्विनी, किस तरीके की तैयारियां स्वागत की नजर आ रही हैं? देखिए, हम अभी भिवाड़ी मोड़ पर बाईपास पर यहां खड़े हैं, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और दूसरे नेता जिसमें राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गहलोत, बाकी लोग शामिल है, वो यहाँ अगवानी करेंगे। भूपेंद्र यादव को यहाँ स्वागत किया जाएगा। उसके बाद अलवर जिले में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर बड़े स्वागत कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं। हमारे साथ यहाँ पूर्व विधायक राम हेत यादव हैं, पूरे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, अलवर जिले में कितने स्वागत हैं? अलवर जिले में लगभग 65 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर माननीय भूपेंद्र यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उनके साथ आने वाले सब नेताओं का स्वागत सत्कार किया जाएगा। यहाँ से हमारा प्रारंभ होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम गजेंद्र सिंह जी, शेखावत जी, सतीश पूनिया जी, बहुत सारे तमाम, राजेंद्र राठौड़ जी और जिले के तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रमुख लोग, ये राजस्थान के सिंह द्वार पर हमारे प्रिय नेता भूपेंद्र यादव जी का हम लोग स्वागत करके और लगभग 1 बजे तक बांसूर जो अलवर जिले की सीमा है वह, उससे के बाद वो जयपुर में प्रवेश करेंगे। देखिए, 65 स्थानों पर स्वागत अलवर जिले में रखा गया है। यहाँ पर दूसरे नेता भी भाजपा के पहुंचे, कौन कौन बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं? सतीश जी पूनिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष, भजनलाल जी हमारे प्रदेश महामंत्री, और उनके साथ जो पार्टी के प्रदेश के नेता हैं वो लगभग सभी पहुंच चुके हैं। हमारे सांसद आदरणीय बालकनाथ जी और हम सब लोग यहाँ हैं ही, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं जो अलग अलग स्थानों पर अभी वर्तमान में अपना स्वागत के लिए मोर्चा लिए हुए हैं। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बाइक लेकर युवा पहुंचे हैं, विधायक संजय शर्मा हमारे साथ हैं। कितने लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि टारगेट दिया गया है पूरे जिले में हर मंडल से कितने लोग यहां पर आने, कितने लोग यहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब मंत्री बनने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पहली बार हमारे अलवर जिले में पधार रहे हैं। कार्यकर्ताओं में, आम जन में और विशेष रूप से किसान वर्ग में बहुत बड़ा जोश है, अभूतपूर्व जोश है, और भिवाड़ी से लेकर के बांसूर तक इतना जबरदस्त और भव्य स्वागत होने वाला है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन सो मोटो स्वयं सड़क पर उतर के स्वागत करने में जुटा हुआ है। देखिए, हम जहां देख रहे हैं भिवाड़े में काफी संख्या में लोग हैं, नेता संदीप दाय में और दूसरे लोग यहां पर जुट गए हैं, आगवानी की तैयारी है। कुछ देर में सतीश पूनिया यहां पर पहुंचेंगे, दूसरे भाजपा के जो बड़े नेता भिवाड़ी पहुंच चुके हैं लेकिन यहां इस स्थान पर आगवानी के लिए पहुंचेंगे। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बाइकों से यहां पर पहुंचे हैं, सबके पास एक भाजपा का झंडा यहां पर लिया गया है और एक रैली का रूप देकर पूरे अलवर जिले में स्वागत यहां पर किया जाएगा, जिसमें 65 से ज़्यादा स्थानों को चूज किया गया है, जहां भाजपा के अलग अलग नेताओं को जगह निर्धारित की गई है कि यहां फला नेता स्वागत करेंगे और यहां पर फला नेता स्वागत करेंगे। ये जो रूट होगा अलवर जिले में पूरा, ये यहाँ भिवाड़ी से शुरू होगा, भिवाड़ी से टपुकड़ा, गैलपुर, तिजारा, भिंडूसी, कतारपुर, बांसूर से होते हुए कोटपुतली में जयपुर जिले में स्वागत होगा, और उसके बाद ये 3 दिन तक ये यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी और 3 दिन तक स्वागत का कार्यक्रम है। बिल्कुल अश्विनी, देख पा रहे हैं कि तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है, जोरों शोरों से स्वागत की तैयारियां वहां पर चल रही है। जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आज 40 से अधिक स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा, तो ऐसे में कौन सा स्थान जो है वो निश्चित किया गया है जहां पर वो जनसंवाद करेंगे? देखिए, 3 दिन की जो यात्रा है, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर यहाँ पर हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि क्या पूरा कार्यक्रम किस तरह रहेगा राजस्थान भर में। ये माननीय भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, उनका जन आशीर्वाद यात्रा है, जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद लेंगे और मोदी सरकार की योजनाएं जो पहली बार गरीब को गणेश बनाकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के अवधारणा के अनुरूप है, उसके लिए लोगों को जागृत करेंगे और जनता के बीच में सिर्फ आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है। देखिए,
लेके जनता से आशीर्वाद लेने का है पूरा, और ये कहते हैं कि 22 राज्यों में जो 39 मंत्री बनाए गए, 22 राज्यों में ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है देश में वो की गई है, और गरीब को गणेश मानकर की जो बात कही गई है भाजपा की ओर से, इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्री इलाकों में निकले हैं, जिनमें भाजपा के बड़े पदाधिकारी, पूर्व विधायक, विधायक और बाकी सब जो लोग हैं वो स्वागत करेंगे। साथ ही मंडल और कार्यकर्ता, जो मंडल का कार्यकर्ता है उसे भी इस यात्रा में बुलाया गया है, एक रैली के रूप में वो यहाँ पर निकलेंगे। इस रैली में स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, और मैं एक बार दिखा दूँ कि विजय एक बार दिखा देंगे कि एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाएंगे किस तरह ये जो रथ हैं ये तैयार किए गए हैं जन आशीर्वाद यात्रा के, और काफ़ी संख्या में डीजे और दूसरे जो लोग यहाँ पर हैं, बाइकर्स बहुत सारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं जो भूपेंद्र यादव की आगवानी करेंगे। बाकी नेताओं के साथ जो युवा हैं, युवाओं को इस यात्रा में जोड़ने का प्रयास किया गया है, और खासी संख्या में युवा भाजपा के झंडे और बाइक के साथ यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरीके से नए तेवर नए कलेवर के साथ मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल सबके सामने आया, और उसमें जो सभी को अहम जिम्मेदारी दी गई, नए मंत्री जो चुने गए उन सभी को कहा गया कि जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आपको अब जनता के बीच में जाना है जन आशीर्वाद यात्रा के तहत, तो ऐसे में कई सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर सियासी मायने हैं। अगर हम एक मंत्री जो राजस्थान आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान में रहते, अजमेर में रहते हैं, अलवर में बहुत पहले भी अपने जो संसदीय कोटे का जो बजट है एमपी कोटे का वो यहाँ पर लगाते रहे हैं, हरियाणा से इनका जुड़ाव है, हरियाणा में एक पुराने नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा होल्ड यहाँ पर रहा है। सतीश पूनिया यहाँ पर आ गए हैं, दूसरे भाजपा नेता यहाँ पर पहुँच के, हम आपको पहले दिखा देते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अश्विनी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भूपेंद्र यादव की आगवानी के लिए यहां पर पहुंचे हैं। पुणे से हम बात कर लेते हैं, सर क्या पूरा कार्यक्रम है राजस्थान में, पूरा जन आशीर्वाद यात्रा का जो मोटो है, भाजपा ने पूरे देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या पूरा मोटो है राजस्थान में, क्या रहेगा, कितने जगह स्वागत कार्यक्रम होंगे, कौन लोग, कितने नेता इसमें पूरे शामिल होने वाले हैं? ये सबने देखा है, मोदी जी के मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो पहली बार उन्होंने उम्र कम की मंत्रिमंडल की, औसत आयु 58 वर्ष है, 45 वर्ष के नौजवान को भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया, और पूरे देश में समग्रता लिए हुए कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ और कामरूप तक एक सामाजिक और भौगोलिक संतुलन इस मंत्रिमंडल में था। 11 महिलाएं और दर्जन भर अन्य पिछड़ा वर्ग के सब लोग इसमें शरीक हुए, एससी एसटी को पूरा प्रतिनिधित्व मिला। इस लिहाज से पूरे देश भर में एक समरसता का संदेश देने भी, और मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं उनकी समीक्षा के लिहाज से ऐसे 39 मंत्री 39 वो पूरे देश भर में 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। उसी सिलसिले में राजस्थान में हमारे एसपी सिंह बघेल हैं जो मंत्री हैं, उनकी धौलपुर और आगरा उस क्षेत्र में यात्रा हुई है इसी जन आशीर्वाद यात्रा के, उसमें उसी क्रम में माननीय भूपेंद्र यादव जी जो श्रम मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन और श्रम मंत्रालय जिनके पास है, वो 19 और 20 दो दिन को भिवाड़ी से आज शुरू करेंगे, जयपुर में आज रात्रि कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद कल अजमेर का दौरा रहेगा। तो दो दिन की जन आशीर्वाद यात्रा संतुलित रूप से और समग्र रूप से कुछ संदेश देने के लिए निकाली गई। ये कहा जा रहा है कि भाजपा ओबीसी एससी एसटी को टारगेट करके या उनके नेताओं को, उन लोगों को ज्यादा जोड़ने के प्रयास में है। देखिए, मुझे लगता है जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, केवल हम एक सकारात्मक और समरसता का संदेश इस लिहाज से देना चाह रहे हैं। कांग्रेस देश में वोट बैंक की राजनीति करती रही, लेकिन उस वोट बैंक की राजनीति का सीधा सीधा प्रत्युत्तर है कि हम जमीन पर काम करते हैं, जमीनी लोगों को तवज्जो देते हैं, और उस आधार पर पार्टी का मंत्रिमंडल भी, सरकार का और पार्टी के जितने अहम जिम्मेवारियां हैं उनमें समाज के सब तबकों को प्रतिनिधित्व मिले, ये पार्टी की भावना है। सर, आप खुद यहां पर पहुंचे हैं आगवानी के लिए, और यह यात्रा यहां शुभारंभ क्योंकि राजस्थान में हो रहा है, क्या वसुंधरा राजे हैं वो भी कहीं स्वागत इस तरह का कराएंगी या शामिल होंगी? देखिए, पार्टी ने सूचना सबको दी है, और जिनका जैसे जैसे समय का नियोजन रहेगा वहाँ वो शरीक होंगे। अभी तक कोई टाइम ऐसा, क्योंकि लगभग सब जगह तय किया गया है कि राजस्थान भर में आपने तय किया कि 40 जगहों पर बड़े स्वागत होंगे, छोटे अगर स्वागत मिला ली जाए तो वो शायद सैकड़ों संख्या में होंगे।
हाँ, यहाँ से लेके अजमेर तक सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रम होगा। पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी जिसमें शरीक होंगे, पार्टी के प्रमुख नेता भी उसमें रहेंगे अलग अलग स्थानों पर, लेकिन इसमें हमने ओपन रखा है कि जिस स्थान पर जो नेता उपस्थित रहना चाहे उसका स्वागत। देखिए, ओपन रूप से कहा गया है कि सतीश पूनिया कह रहे हैं कि हमने ये रखा है कि जो नेता इसमें स्वागत करने आ सकता है, आशीर्वाद देने जो कार्यकर्ता आ सकता है, वो इस यात्रा में शामिल हो सकता है। हालांकि वसुंधरा राजे को लेकर वो इस यात्रा में कहीं शामिल होंगी या नहीं होंगी, इस बात को उन्होंने पूरी तरह कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। अलवर के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरी तैयारी जो है, पूरी भीड़ जो है, आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह नेताओं का जमावड़ा है। पूरी एक यात्रा जो है उसकी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और कुछ देर में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको स्वागत के साथ ले जाया जाएगा। पहला कार्यक्रम संदीप दायमा की ओर से एक बड़ा स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है भिवाड़ी में, वो कार्यक्रम होगा। काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं, बड़ा पंडाल लगाया गया है। उसके बाद अगले बांसुर तक ये कह सकते हैं कि 65 स्वागत की जगह बनाई गई है। किशनगढ़ बास और खैरथल में रामहित यादव बड़ा स्वागत का कार्यक्रम कर रहे हैं, महेंद्र यादव बांसुर में कर रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी संख्या में लोग इस यात्रा में उमड़ने वाले हैं, बहुत काफ़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा रहा है इस यात्रा के साथ। बिल्कुल अश्विनी, वहाँ पर जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए उनको भी इस बार न्योता दिया गया है और खास मकसद ही इसका ये है कि जन आशीर्वाद यात्रा। तो जनता का रुख क्या है वो भी एक बार बताइए। निश्चित रूप से यहाँ काफी संख्या में लोग हैं, आम लोग भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। हम उनसे जान लेते हैं, आप भाजपा से हैं या कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे आए हैं, किस तरह इस यात्रा को देखते हैं? भाजपा से, ओबीसी मोर्चा से हैं हम, और यहाँ पे भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत के लिए आए हैं। और मोदी जी जो गवर्नमेंट जो अच्छे अच्छे काम कर रही है ओबीसी के लिए, मतलब सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से, तो उस वजह से हम यहाँ पे आए हैं सबको। और हमारे माननीय भूपेंद्र मंत्री जी आए हैं, बालकनाथ जी सांसद जी आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं सतीश पूनिया जी, उन सबका भिवाड़ी में हार्दिक स्वागत करते हैं हम। लेकिन ओबीसी की बात हो रही है जी अश्विनी, अब नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। तो ये बेहद अहम, ये पूरा कार्यक्रम जनसंवाद कार्यक्रम इसके तहत होगा, जन आशीर्वाद यात्रा के तहत। तो आपको बता दें 417 किलोमीटर की ये पूरी जन आशीर्वाद यात्रा होगी, 40 से अधिक स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम होगा, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार इसके दौरान किया जाएगा।